चैनल। आज मैं आपको ये वाला तोरण डिजाइन बना के दिखाने वाली हूँ। देखिए बिल्कुल आसान डिजाइन है और बहुत सुंदर दिखता है। तो चलिए स्टार्टिंग करेंगे। स्टार्टिंग तोरण पट्टी से करेंगे। तोरण पट्टी के लिए 12 चेन लेनी है। ट्वेल्व चेन और फिर डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया स्टार्टिंग में, फिर एक चेन लेंगे, नीचे दो चेन छोड़ के थर्ड में डाल लेंगे। फिर चेन लेंगे और दो डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, थर्ड पर डाल लेंगे। फिर एक चेन और लास्ट में ये वाली चेन, लास्ट वाली। ये देखिए इस तरह से आ गई। अभी तीन चेन लूंगी नेक्स्ट राउंड के लिए, टर्न करूंगी, एक चेन और लूंगी और ये जो है इसके बीच में तो ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। तीन चेन ले लेनी है नेक्स्ट राउंड के लिए और उसके बाद इसे इसी में डाल लेंगे स्टार्टिंग वाले बॉक्स में, फिर इसमें डाल लेंगे, फिर इसमें डाल लेंगे। इस तरह से ये वाले यहाँ दो आए हैं, नेक्स्ट में तीन आएंगे। फिर एक चेन तीन डाल लेने, एक चेन लेनी है, फिर नेक्स्ट में तीन, ये देखिए इस तरह से इसमें दो आए, इसमें तीन आए। बिल्कुल आसान है ये वाली तोरण पट्टी बनाना। अभी वापस ये दो होल है तो दो ही डिजाइन बनेंगे। इसके लिए एक चेन एक्स्ट्रा, एक चेन नेक्स्ट में, स्टार्टिंग में, लास्ट में एक एक आएगा, एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरी तोरण पट्टी तैयार कर लेंगे। एक राउंड में तीन ये बॉक्स बनेंगे, दूसरे में दो बनेंगे, फिर तीन बनेंगे, फिर दो बनेंगे, फिर तीन बनेंगे, फिर दो बनेंगे। इस तरह से तोरण पट्टी बना के तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से बना के तैयार करनी है। तोरण पट्टी जितनी लेंथ चाहिए उस हिसाब से। तो ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। तीन चेन ले लेनी है नेक्स्ट राउंड के लिए और उसके बाद इसे इसी में डाल लेंगे स्टार्टिंग वाले बॉक्स में, फिर इसमें डाल लेंगे, फिर इसमें डाल लेंगे। इस तरह से ये वाले यहाँ दो आए हैं, नेक्स्ट में तीन आएंगे।
फिर एक चेन, तीन डाल लेने, एक चेन लेनी है, फिर नेक्स्ट में तीन, ये देखिए इस तरह से इसमें दो आए, इसमें तीन आए। बिल्कुल आसान है ये वाली तोरण पट्टी बनाना। अभी वापस ये दो होल है तो दो ही डिजाइन बनेंगे, इसके लिए एक चेन एक्स्ट्रा। एक चेन नेक्स्ट में, स्टार्टिंग में लास्ट में एक एक आएगा, एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरी तोरण पट्टी तैयार कर लेंगे। एक राउंड में तीन ये बॉक्स बनेंगे, दूसरे में दो बनेंगे, फिर तीन बनेंगे, फिर दो बनेंगे, फिर तीन बनेंगे, फिर दो बनेंगे। इस तरह से तोरण पट्टी बना के तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से बना के तैयार करनी है तोरण पट्टी, जितनी लेंथ चाहिए उस हिसाब से। इसमें तीन है, दो तीन फिर दो, इस तरह से ये डिजाइन बनेगा। लास्ट में इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये तोरण पट्टी हमारी बनके तैयार है। इसकी फिनिशिंग भी कर ली हमने डबल क्रोशिया में। अब मैं डिजाइन स्टार्ट करूंगी किस तरह से बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से तोरण पट्टी हमारी तैयार है। ये मैंने डबल क्रोशिया में इसकी फिनिशिंग करी है। अब मैं पेटल्स बनानी बताऊंगी आपको किस तरह से बना सकते हैं पेटल्स। यहां से स्टार्ट कर लेंगे। तीन चेन लेंगे और तीन ही डबल क्रोशिया सेम इसी जगह पर बना लेंगे। तीन चेन, दो तीन और ये चार, चार बना ली चेन। एक चेन लेनी है, जब चार बन जाए एक ये छोड़ेंगे राउंड तोरण पट्टी का, उसके बाद बनाएंगे नेक्स्ट में थोड़ा सा स्किप करके। फिर चेन लेंगे, फिर एक राउंड स्किप करेंगे, तीन एक ही जगह पर तीन बनाने हैं। इस तरह से ये मैं चार बना लूंगी, एक चेन और ये वाला छोड़ देंगे, इसमें डाल लेंगे। चार, ये चार बन गए। अब 12 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 चेन ले ली। इतनी दूरी पे बांध लेंगे कि ये ज्यादा टाइट भी नहीं हो और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं हो, यहाँ ये ठीक रहेगा। एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड छोड़ के तोरण पट्टी के तीन या चार राउंड छोड़ के बांध लेना है।
ये देखिए ये इतनी लूज आएगी। वापिस से चार बना लेंगे, एक चेन, तो ये देखिए इस तरह से ये वाला राउंड मैंने यहाँ तक बनाया है। हाफ में एक पेटल और बनेंगे, दो पेटल का बनाएंगे, तो ये हाफ में बन गया। यहीं से हम टर्न कर लेंगे, पहले ये वाली पेटल बनाएंगे फिर नेक्स्ट बनाएंगे। यहाँ पर आ जाएंगे, अब यहाँ पर कम होंगे और ये जो बीच है ना इसमें बढ़ते जाएंगे, बनाते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तीन तीन ही बनाने हर एक राउंड में, बाद में पांच के बाद ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये देखिए पहले चार थे, अब तीन कर दिए। अभी मैं पांच चेन लूंगी, यहाँ पे पांच चेन लेके इसके बीच में बनाऊंगी तीन डबल क्रोशिए, वन टू थ्री, फिर पांच डबल क्रोशिए लेंगे, फिर तीन बनाने। इस तरह से राउंड पूरा बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से बना लेना है। ये तीन हो गए, इसमें एक डालना है, नेक्स्ट में दो डालेंगे नेक्स्ट राउंड में, और ये तीन होते जाएंगे, फिर दो हो जाएंगे, फिर एक हो जाएगा। इस तरह से ये कम होते जाएंगे और ये हमारा डिजाइन बढ़ता जाएगा। तो पूरे में बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये चार वाला जो हमने स्टार्ट किया था इसका एक पार्ट बचा है, एक बॉक्स, और इसके तीन कंप्लीट हो गए। तो इस वाले राउंड में हम इसको चेन लेंगे और इस पर चार लेंगे। तो ये चार बना लिए मैंने, मुझे जितनी चेन हमने नीचे ली थी 12 चेन उतनी यहाँ पर ले लेंगे। ये 12 चेन हो गई, अब इसको हम इस वाले से क्रॉस करके और यहाँ पर बनाएंगे इस वाले के पास, तो ये चार बनेंगे। ये क्रॉस करके और यहाँ, एक चेन, थ्री, एक चेन, एक चेन, तो ये देखिए चार बन गए और यहां पर चेन ले लेनी है इसके ऊपर। वापिस से चेन ले लेंगे इसके ऊपर, तो इसी तरह से ये राउंड कर लेंगे। तो ये देखिए ये वाला चेन वाला हो गया सेम, ये जो फर्स्ट हमने लिया था इसके जैसा।
अब सेम ऐसे ही बना लेंगे। अब इसके ऊपर हम वन बनाएंगे, फिर टू, थ्री, फोर, और ये वाला जो है ये कम करते जाएंगे, ये चार है, तीन, दो, एक, इस तरह से इधर का बढ़ेगा और इधर का कम होगा। तो यहां पर बना लेने, छह चेन, पांच या छह ले सकते हैं, खींचा हुआ नहीं लगे, इतनी चेन ले सकते हैं। अब चार वाले कम करते जाएंगे, ये वाला जो है चेन पे बनाया था जो, ये कम करते जाएंगे, देखिए चेन वाले में एक बार तीन डबल क्रोशिया डालने, अब इसमें नेक्स्ट इसमें दो डालेंगे, इसके दो हो जाएंगे तीन से, फिर इसमें तीन डालेंगे, फिर इसके एक बचेगा, फिर लास्ट में इसमें चेन लेंगे और इसमें चार डाल लेंगे। इस तरह से मैं ये पूरा तैयार कर लूंगी पैटर्न। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम डिजाइन हमारा बन के तैयार है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।